हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड इफ यू वांट मी टू कनेक्ट पर्सनली माय इंस्टाग्राम हैंडल इज lekha_birthday। सो गाइस, टुडेज हॉल विल बी ऑन मीशो ज्वेलरी हॉल। इस बार मैंने बहुत सारी ज्वेलरीज की शॉपिंग की है फ्रॉम मीशो। अब जैसे कि दिवाली आने वाला है, करवा चौथ आने वाला है, सो आपको इस ये सारी ज्वेलरीज का काम पड़ेगा। सो आप इसे सारे ज्वेलरीज को परचेज कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा डिसेंट एलिगेंट ज्वेलरीज है गाइस। कुछ ऑक्सीडाइज है, कुछ पर्ल ज्वेलरी मैंने इस बार ऑर्डर की है। सो लेट्स सी, सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, आई हैव सो मेनी ज्वेलरीज और भी रखे हुए हैं। सो एक एक करके दिखाऊंगी ना, बहुत ज़्यादा मिस हो सकता है। सो मैं क्या कर लेती हूँ, पहले मैं सेट कर लेती हूँ एंड उसके बाद एक एक करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर ज्वेलरी हॉल। सो हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है इयररिंग, जो कि पर्ल में है। सो ये कुछ इस तरह का है गाइस। यहाँ पे मैं साइड में क्लिप्स लगा दूंगी जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि इसका लुक कितना, मतलब कैसा आता है और कैसा नहीं। मैं भी ऐसे जो इयररिंग्स है ना गाइस, फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इतने बड़े बड़े इयररिंग्स मैंने आज तक यूज़ नहीं किए। मैं ट्राई करना चाहती हूँ लेकिन मुझ पर ना ज़्यादा सूट नहीं करते बड़े इयररिंग्स। मुझे छोटे जो टॉप्स वगैरह होते हैं ना वो अच्छे लगते हैं, या फिर इतने साइज़ के मैं पहन लेती हूँ। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा बड़े लगते हैं लेकिन मुझे आदत डालनी है बड़े इयररिंग्स की भी। कभी कभी ये इयररिंग्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो आई थिंक ये साड़ी पे भी अच्छे लग सकते हैं, या फिर आप इंडो वेस्टर्न कुछ लुक क्रिएट करते हो तो उस पर भी अच्छे लगेंगे। इंडियन वेयर पे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये कुछ इस तरह का है। ये जो इसका जो डिटेलिंग है ना गाइज, पीछे के साइड पूरा कपड़े का कुछ क्लोथ टाइप में कुछ फील आ रहा है। एंड फिर उसके ऊपर इन लोगों ने लाइक पर्ल लगाए हुए हैं एंड नीचे ऐसे झुमके टाइप है ना, वैसा लगाया है। सो यार, यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी कि ये कैसे दिखेंगे आप पहनने के बाद। सो या, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो हमारा जो सेकंड प्रोडक्ट है गाइस, तो इसमें मुझे दो ज्वेलरी सेट आए हैं एंड बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में गाइस। अंडर आप 300-400 अंडर बोल सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो पहला मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो ये कुछ इस तरह का है, पूरा घुंघरू पैटर्न में, मतलब आप देख सकते हैं कि पूरा घुंघरू घुंघरू है एंड नीचे से इन लोगों ने ऐसा ये दिया है लॉकेट टाइप में। सो ये कुछ इस तरह का है एंड इसके इयररिंग्स भी ऐसे है, पूरा सेम डिटेलिंग के है, घुंघरू घुंघरू लगाए हुए। सो ये आप साड़ी पे, ड्रेस पे वियर कर सकते हो, बहुत ही प्रिटी लगेंगे। सो इस नवरात्रि भी अगर ट्राई कर सकते हो, अभी नवरात्रि में 2 या 3 दिन बचे हैं, सो आप चाहो तो खरीद सकते हो अगर आ जाए तो। अदरवाइज मीशो के जो प्रोडक्ट्स हैं ना बहुत ज़्यादा लेट आते हैं, लेकिन ठीक है, फ्यूचर के लिए आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। सो देन नेक्स्ट इज, सो इसी में ही एंड हाँ, इसका ही ये पैटर्न है आई गेस, क्योंकि ये भी पूरा घुंघरू है ना, ये हाथ का ब्रेसलेट टाइप का है कंगन। सो ये कुछ इस तरह का लगेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे तो, लेकिन आप वियर कर सकते हो। इसमें एडजस्टमेंट के लिए भी दिया हुआ है, सो आप इसे पहन सकते हो, बहुत प्यारा लगेगा। सो ये पूरा सेट है, गले का इयररिंग्स एंड हाथ का एक बैंगल। सो या, देन इसमें जो नेक्स्ट है, सो गाइस देखो इसके इयररिंग्स तो कितने बड़े हैं, माय गॉड, इतने बड़े इयररिंग्स तो मैंने आज तक कभी नहीं पहने। सो ये कुछ इस तरह के इयररिंग्स है, इसमें बहुत ही अच्छा डिटेलिंग है, पैटर्न बहुत अच्छा है, ये भी पूरा घुंघरू पैटर्न में आप देख सकते हैं। एंड इसमें जो डिज़ाइन दी है वो बहुत अच्छी है, ये पीकॉक की डिज़ाइन है आई गेस। सो या, एंड इसका जो नेकलेस है जिस तरह का है, सो ये ज़्यादा बड़े भी नहीं आएंगे गाइज, आप आराम से इसे वेयर कर सकते हो। कुछ कुछ जो नेक पीस होते हैं ना बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, किसी किसी को वो भी पसंद आता है, लेकिन इतने छोटे हो ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसके ऊपर आप लाइक मंगलसूत्र वगैरह पहन सकते हो या फिर ऐसे भी वेयर कर सकते हो, बहुत प्रिटी लगेगा।
सो इसमें मुझे ऑफर में बहुत अच्छा डील चल रहा था अभी जब मैंने मीशो का जब सेल चल रहा था ना गाइस तब मैंने परचेस किए। सो मुझे दो इसमें मिले एंड कुछ कुछ तो ऐसे भी थे कि जिसमें तीन या चार पीस भी अवेलेबल थे। सो इसमें दो पीसेस थे। सो या देन आर नेक्स्ट पीसेस दिस ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। ये कुछ इस पैटर्न का है, चेन पैटर्न कैसा होता है ना वैसे टाइप में इसके डिटेलिंग है गाइस। एंड ऊपर आप लोगों को बांधने के लिए अच्छा सा थ्रेड दिया है एंड एडजस्टमेंट के लिए भी है। सो बहुत प्यारा है, जितना चाहो आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा पहनने के बाद। मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगी कि कैसे लग रहे हैं। इसके जो इयररिंग्स है काफ़ी अच्छे हैं, एकदम छोटे से इतने इयररिंग्स मैं कैरी कर सकती हूँ, मुझे ठीक लगते हैं इतने इयररिंग्स। सो बहुत ही सुंदर है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पीस की तरफ। ओके हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है इयररिंग्स, छोटे से पर्ल इयररिंग्स है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ऐसे इयररिंग्स गाइज आप आराम से ड्रेस पे पहन सकते हो या फिर लाइक आप ऊपर से कुर्ती डाल रहे हो नीचे जींस भी पहन रहे हो फिर भी ये अच्छा लगेगा। इवन आप ये कहीं पे भी कॉलेज में, ऑफिस वेयर, ट्यूशन वेयर कहीं पे भी ये कैरी कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा, एकदम डिसेंट सा लुक है। मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे ये। मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। इवन आप सिंपल सी साड़ी पहन रहे हो तो इस पर भी ये बहुत सुंदर लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो यू कैन बाय दिस। मैं सारे प्रोडक्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो गो एंड चेक आउट गाइस। देन आर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटीफुल पर्ल नेक पीस। एक्चुअली मैं अलग से पर्ल का ज्वेलरी हॉल करने वाली थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक साथ ही करते हैं पर्ल का एंड ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का। इसीलिए मैंने एक साथ कर लिया, अदरवाइज पर्ल की ज्वेलरी मैंने काफ़ी पहले से ही ऑर्डर करके रखे थे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही पूरा पर्ल पर्ल से भरा हुआ है ये नेक पीस। कुछ वाइट इसमें शेड्स हैं, थोड़े से ब्लू कलर के शेड्स हैं। ये आप आराम से साड़ी पे बहुत प्रिटी लगेगा आई गेस, सो ट्राई कर सकते हो। इसके जो नेक पीस है वो कुछ इस तरह के छोटी, आप अलग से भी वियर कर सकते हो आप चाहो तो, ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ आप ये ही वियर करो, आप चाहो तो इसे भी इसके साथ कर सकते हो, लाइक आप पहन सकते हो, अदरवाइज आप इसे अलग से भी कैरी कर सकते हो। सो आई लाइक दिस, बहुत सुंदर लगता है ये पहनने के बाद, मैंने इसे ट्राई भी किया है। मैं आपको यहाँ पर क्लिप लगा दूंगी, आप देख लेना। गाइज देन आर नेक्स्ट ज्वेलरीज, ये पूरा ऑक्सीडाइज नहीं है लेकिन जब मैं ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी सर्च कर रही थी ना उसमें ये ऐसा ही पैटर्न आया, मतलब है उसमें शेड सिल्वर के लेकिन जैसे प्रॉपर जो मैंने पहले दिखाया था ये कैसे पूरा सिल्वर है, पूरा ऑक्सीडाइज है, इसमें आप लोगों को शेड मिल जाएगा। मैंने सोचा कि चलो कुछ अलग सा भी ट्राई करते हैं। एक मिनट, गाइज इसका जो नेक पीस है ना कुछ अलग ही है, मैंने ऐसा फर्स्ट टाइम देखा है क्योंकि ये बिल्कुल भी ऐसे इसे फोल्ड नहीं कर सकते, ये एकदम ऐसे स्टेबल रहेगा। ऐसा नेक पीस मैंने फर्स्ट टाइम ही ऑर्डर किया, बहुत ही सुंदर सा कलर लग रहा है, एकदम पेस्टल ब्लू कलर लग रहा है। वेरी प्रिटी एंड इसके साथ एकदम गोल वाले इयररिंग्स आपको मिलेंगे, ऐसे इयररिंग्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप इसे साड़ी पे वगैरह पहन सकते हो एंड ऑल्सो अगर आप लहंगा वगैरह पहन रहे हो उसके साथ आपको बिंदी दी है, बिंदी ऐसे आप कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। बिंदी के लिए इन लोगों ने यहाँ पे एक हुक भी दिया है, आप उस हुक को कैरी करके इस पर अटैच कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सेट है, नेक पीस दिया है, दो इयररिंग्स है एंड यहाँ पे एक बिंदी दी है, मांग टीका दिया है। ये कंप्लीट लुक हो जाएगा आपका अगर आप साड़ी वियर कर रहे हो, लाचा वियर कर रहे हो, बहुत सुंदर लगेगा। जस्ट ट्राई इट गाइस एंड बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है, आप ज़रूर परचेस कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको गिल्ट फील नहीं होगा क्योंकि बहुत सुंदर है, पहनने के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है। गाइस देन आर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस बैंगल्स।
सो मुझे काफ़ी टाइम से बैंगल्स परचेस करने थे। वैसे मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स हैं, लेकिन लाइक कभी कभी क्या होता है ना, पूरा सेट पहनने के बाद मतलब बाजू बाजू में लाइक साइड साइड में कॉर्नर में कुछ ऐसे ब्रेसलेट टाइप पहनने की इच्छा हो जाती है। सो ब्रेसलेट कुछ अलग दिखता है, लेकिन फिर मैंने ऐसे कड़े होते हैं ना, ये कड़े टाइप कुछ इस तरह के है, चार का सेट है। सो दो दो आप एक हाथ में एक एक हाथ में वेयर कर सकते हो। सो बहुत सुंदर लगेगा। अगर आप एक ही हाथ पे पूरे बैंगल्स पहनते हो तो आप चारों का कुछ सेट बना सकते हो दूसरे बैंगल्स के साथ। सो बहुत अच्छे लगेंगे। मेरे पास एक्चुअली नहीं मतलब थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अभी टाइट हो रहे हैं ना, सो मैंने इसलिए सोचा कि चलो ऑर्डर करके देखते हैं। सो इसे भी मैंने अभी पहन के नहीं देखा है। हाँ ये हो जा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है। ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि कॉर्नर कॉर्नर में पहनना है सो इतना कुछ नहीं लगेगा। कभी तो पहनते हैं, या फिर मैं अपने मम्मी को दे दूंगी। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम क्या है ना, ये है जो यहाँ का जो थम का जो ये है ना, इससे मतलब क्या होता है ना, नीचे जाता नहीं और निकलता भी नहीं है जल्दी से। सो मुझे छोटे जब बैंगल्स लेती हूँ सो यहाँ से घुसते नहीं है और यहाँ पे बराबर हो जाते हैं, और जब बड़े लेती हूँ तो यहाँ से घुस जाते हैं और यहाँ पे बड़े हो जाते हैं। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मुझे। सो एनी वे, सो वैसे बहुत प्रीटी है, कहीं पे भी वेयर कर सकती हूँ। अगर ज़्यादा ही कुछ बड़े लगेंगे तो मम्मी को दे दूँगी, मम्मी के काम आराम से आ जाएंगे। सो या देन आर नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस नेक पीस। बहुत ही सुंदर नेक पीस है। पहले लगा कि जब आया था मतलब डिलीवर हुआ था ना, तो मुझे लगा ये ब्लू वाला और ये वाला सिमिलर है या क्या, ऐसा लगा मुझे, लेकिन ये बिल्कुल सिमिलर नहीं। ये आराम से फोल्ड वगैरह हो जाता है, एंड इसका जो लुक है वो बहुत अच्छा है, पूरा ग्रीन शेड में है एंड नीचे से पर्ल की डिटेलिंग दी है। सो ये जब मैं ऑक्सीडाइज सर्च कर रही थी तब ये मिला था। सो ये पर्ल के कैटेगरी में भी आता है, एंड इसके साथ आप लोगों को झुमके दिए दो, बहुत झुमका। सो बहुत ही सुंदर सेट है गाइज, इतने प्यारे लग रहे हैं ना ये झुमके भी। सो इस पे ग्रीन कलर का भी शेड दिया है, सो इससे ये मैच हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा, एकदम एलिगेंट सा लुक आएगा, एकदम सिंपल सा, ज़्यादा तामझाम नहीं है। मतलब आराम से ऐसे गले के यहाँ पे वेयर करके, एक छोटा सा मंगलसूत्र अगर आप शादीशुदा हो तो, मैं शादीशुदा हूँ इसलिए मैं ज़्यादा मंगलसूत्र की बात करती हूँ। सो या वैसे पहन सकते हो, ये झुमके पहन सकते हो। सो या बहुत सुंदर है एंड बहुत प्रिटी है एंड अफोर्डेबल रेंज में, सो गो एंड परचेस इट गाइज। देन आर नेक्स्ट नेक पीस इज दिस फुल ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। इसमें इयर रिंग्स है, नेक पीस है एंड नोज पिन है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर सा नेक पीस है गाइज, मुझे तो इतना सुंदर लगा है ना, एकदम सिंपल सा। लाइक इसमें आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा देवी का यहाँ पे इन लोगों ने डिटेलिंग दिया है, जो नीचे का जो पेंडेंट है उस पर। सो बहुत सुंदर लग रहा है, इस दिवाली आप इसे कैरी कर सकते हो, बहुत ही प्रीटी लगेगा एकदम। सो आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, एंड इसके साथ दिया है इसके इयररिंग्स, बहुत सुंदर छोटे छोटे इयररिंग्स है, ऐसे इयररिंग्स अच्छे लगते हैं मुझे। एंड इसके साथ एक नोज पिन दिया है, सो बहुत छोटी सी एकदम क्यूट सी नोज पिन है। सो आप पूरा सेट के साथ इसे कैरी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा, या फिर आप अलग अलग भी वेयर कर सकते हो, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे ही आप अपना कैरी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सिंगल इयररिंग्स कैरी कर सकते हो, सिंगल नेक पीस यूज़ कर सकते हो, जैसा आपको लगता है वैसा यूज़ करो। सो या मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इस दिवाली में ज़रूर ये पहनने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर है। सो गाइज, देन आर लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्रोडक्ट इज दिस ब्यूटिफुल नेक पीस। सो बहुत ही सुंदर सा नेक पीस है, इसे मैंने अभी एक जो रिसेंटली रील पोस्ट किया है इंस्टाग्राम पे, सो उसमें यूज़ किया है, बहुत ही सुंदर है। अगर आपने नहीं देखा है सो जस्ट गो एंड फॉलो माई पेज विच इज़ लेखा _ बर्थडे, सो गो एंड चेकआउट गाइज। सो इतना सुंदर सा ये नेक पीस है ना, आप देख सकते हैं कि पूरा ऊपर से तो थ्रेड है दिया हुआ डिटेलिंग एंड एडजस्टमेंट के लिए, बहुत सुंदर है यहाँ पे। एंड नीचे से आप देख सकते हो कि लाइक इसमें
जो मिरर वर्क होता है ना गाइज, वैसे टाइप का डिटेलिंग है ये, एंड नीचे से घुंघरू लगाए हुए है, एंड पूरा मनी मनी का डिटेलिंग है ये पूरा। वैसे तो इसमें दो ही कलर्स है, पिंक एंड ऑरेंज कलर, लेकिन दिखने में इतना ज़्यादा कलरफुल लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। लाइक लगेगा नहीं कि पूरा ब्लैक ब्लैक नेक पीस पहना, ऐसा नहीं लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। एंड इसके जो इयररिंग्स है ना, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बिल्कुल भी कान में पहनने के बाद हेवी नहीं लगेंगे गाइज। अगर आप चाहो ना एकदम सिंपल कुर्ती वेयर कर रहे हो ना, उस पर ये इयररिंग्स आप कैरी कर सकते हो। मुझे तो इतने अच्छे लगे ना, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आप चाहो तो नेक पीस के साथ भी पहन सकते हो, या फिर मैं सजेस्ट करूँगी कि सिर्फ और सिर्फ कुर्ती पे यही पहनना, बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाले है। सो या दैट्स इट, मैंने और दो ज्वेलरीज ऑर्डर किए हैं लेकिन वो अभी तक आए नहीं। मीशो का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है प्रोडक्ट्स में, और मेरे पास इतने सारे प्रोडक्ट्स जमा हो गए थे, फिर मुझे पता नहीं था कि कब आएंगे एंड कब नहीं। सो मैंने सोचा कि चलो बना लेते, जब वो दो आएंगे तो मैं वो शॉर्ट वीडियो बना लूँगी उसका। सो दैट्स इट। सो आप लोगों को कौन सा सबसे ज़्यादा जो ज्वेलरी प्रोडक्ट है, कौन सा नेक पीस हो, बैंगल हो या फिर इयररिंग्स हो, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो या दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी एंड बी सेफ फ्रेंड्स।